अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे तख्ती नंबर 25 पार्ट 2 पारे 21 रुकू 7 लिखने का तरीक़ा। पढ़ने का तरीक़ा लियग़बुवफ़ी पारे 23 रुकू 6 लिखने का तरीक़ा। लाइलजहीमी पढ़ने का तरीक़ा लाइलजहीमी पारे 26 रुकू 5 लिखने का तरीक़ा। लियबलुवा पढ़ने का तरीक़ा लियबलुवा पारे 26 रुकू 8 लिखने का तरीक़ा। नबलुवा पढ़ने का तरीक़ा नबलुवा पारे 26 रुकू 14 लिखने का तरीक़ा। बिसल इस्मु पढ़ने का तरीक़ा बिसल इस्मु पारे 28 रुकू 5 लिखने का तरीक़ा। लअंतुम अशद्दु पढ़ने का तरीक़ा लअंतुम अशद्दु पारे 29 रुकू 19 लिखने का तरीक़ा। सलासिला पढ़ने का तरीक़ा सलासिला पारे 29 रुकू 19 लिखने का तरीक़ा। कवारीरा पढ़ने का तरीक़ा कवारीरा पारे 11 रुकू 14 लिखने का तरीक़ा। मलाइहिम पढ़ने का तरीक़ा मलाइहिम पारे 30 सूरे काफिरून लिखने का तरीक़ा। वला अना आबिदुम मा अबदतुम पढ़ने का तरीक़ा वला अना आबिदुम मा अबदतुम पारे 30 मुतअद्दद जगह हैं लिखने का तरीक़ा। मूसाया पढ़ने का तरीक़ा मूसा पारे 30 रुकू 14 लिखने का तरीक़ा। ईसाया पढ़ने का तरीक़ा ईसा पारे 30 मुतअद्दद जगह हैं लिखने का तरीक़ा। ज़कावाता पढ़ने का तरीक़ा ज़कावाता पारे 1 रुकू 1 लिखने का तरीक़ा। सलावाता पढ़ने का तरीक़ा सलाता पारे 2 हयावातिन लिखने का तरीक़ा हयावातिन पढ़ने का तरीक़ा हयातिन पारे 18 मिशकावातिन पढ़ने का तरीक़ा मिशकातिन। लफ्ज़ अना पे अगर सांस टूटे तो अलिफ़ पढ़ा जाएगा। लफ्ज़ अना अगर कुरान पाक में कहीं पे भी आता है तो आप इस पे सांस तोड़ेंगे तो अना क्या क्या सांस तोड़ेंगे लौटा कर पढ़ने पर वही अना की तरह पढ़ेंगे, ठीक है? याद रखिएगा। कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। जज़ाकअल्लाहु खैरा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।